जिंदगी क्या क्या दिखाए, क्या क्या सुनाए, कैसी है ये जिंदगी। ओ, पल में हंसाए, पल में रुलाए, कैसी है ये जिंदगी। रिश्तों की गफलत नातों का मतलब कोई समझाए है जिंदगी। इतना रुलाए और इतना सताए, चाहे क्या ये जिंदगी। पल पल में गिरना, गिर के संभलना, जज्बातों से खेली है कैसी पहेली। क्या है हकीकत, क्या है चलावा, कैसी पहेली ये जिंदगी। क्या क्या दिखाए, क्या क्या सुनाए, कैसी है ये जिंदगी। वाओ, यू नो इट वाज सो नाइस। अरे छोटे, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। सिर्फ ऑडियंस के रिएक्शन से तो ऐसा नहीं लगा। छोटे, दिस काइंड ऑफ ऑडियंस वाज नॉट फॉर यू। देखना, सून यू विल बी अ सुपरस्टार। आई एम सो हैप्पी दैट यू कुड कम सू। दी, नो वरीज, यू कैन कॉल मी सू। वैसे भी छोटे मुझे कभी भी दी नहीं बुलाता। वो अंकल नहीं आए? वो एक्चुअली डैड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी। वो यूएसए से कुछ सिग्नेटरीज आए थे फॉर 2 आवर्स, सो इट्स ओके। डैड को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़, कि पापा मेरे लिए कभी टाइम निकालते ही नहीं है। छोटे, बट इट वाज लाइक एन फॉरगेट इट। बट छोटे, कम आहान, अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन। और वो कहते हैं ना, हर सुपरहिट म्यूजिशियन के म्यूजिक में कहीं ना कहीं कुछ दर्द छुपा होता है। डेफिनेटली आहान के म्यूजिक में वो दर्द है। लेकिन आहान की जिंदगी में इस दर्द का कारण क्या है, दैट वी विल टेल यू ऑन दिस ब्रांड न्यू शो ए जिंदगी, अ शो विच डील्स विद यंगस्टर्स एंड देयर लाइफ। हम उन कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं जिन कहानियों को रोजमर्रा की जिंदगी में ये यंगस्टर्स फेस करते हैं। यू नो, हम यंगस्टर्स के सामने जिंदगी बहुत सारी चुनौतियां फेंकती है। उनमें से कई सारे लोग इन चुनौतियों का सामना करके अपनी जिंदगी की एक नई राह बनाते हैं, या तो फिर इन चुनौतियों से हार मानकर घर बैठ जाते हैं। और ऐसी ही एक चुनौती आहान के सामने भी थी। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे डैड, कल रात को छोटू का परफॉर्मेंस था, आपको आना चाहिए था। मतलब आज तो तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया लेट उठने का। डैड, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी पेंटिंग करती है, लेकिन उसका पैशन उसके काम के बीच में कभी नहीं आया। तुम्हें तो बस नाचने गाने का बहाना चाहिए ताकि तुम काम कभी शुरू ही ना कर पाओ। डैड, कल रात को उसका परफॉर्मेंस था। Come on, रेस्टोरेंट में गाने गाने को परफॉर्मेंस नहीं कहते। Anyway, अब तुम ऑफिस आ रही हो या जिंदगी भर अपने भाई को मक्खन लगाती रहोगी? Yes, Dad. छोटे, तुम नाश्ता कर लो। ऑफिस के लिए तैयारी तो नहीं हुआ था मैं, बस पता नहीं डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। माँ कभी मुझसे खुश ही नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ, ऑलवेज। आई डोंट नो व्हाट टू डू। इफ एवरीथिंग गोज बाय द प्लान, आई थिंक वी आर रॉकिंग। ऑल द बेस्ट गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अब आप बैठेंगे या? जी। Okay guys, so let's start. Natasha, I think ये styling हमारे shoe campaign में बहुत अच्छी लगेगी। And I think Rahil Khan पे भी सबसे ज़्यादा यही best लगेगी। Absolutely yes. Absolutely right. In fact, Rahil Khan की अगली फिल्म में उसकी यही styling है। So. Updated as usual, huh?
सुहानी, आई थिंक लेट्स लॉक इट, ओके? एवरीबॉडी इज इन एग्रीमेंट? सुहानी, आई सेड लॉक इट. आहान, तुम्हारी क्या थिंकिंग है राहिल की स्टाइलिंग पे? सो मुझे तो राहिल खान ठीक ही नहीं लगा. व्हाट आर यू सेइंग? क्या बकर, व्हाई आर यू वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम? हां कम ऑन, आई सेड लॉक इट, तो लॉक इट. बट आहान, हम ऑलरेडी राहिल खान को लॉक कर चुके हैं. हमें उसकी स्टाइलिंग फाइनल करनी है मूव शूज की कैंपेनिंग के लिए. मूव शूज हमारी कंपनी है यार गाइस, हमारा प्रोडक्ट है. दिस इज व्हाट वी सेल आउट टू आवर कस्टमर्स. लेकिन मैं जब से आया हूँ सब बस राहिल खान की स्टाइलिंग के पीछे पड़े हैं. कोई प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है. ऐसे में यार कस्टमर्स को पता कैसे चलेगा? वो भी तो राहिल खान की स्टाइलिंग के बारे में ही बात करेंगे. हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर ही नहीं होगा तो फिर पॉइंट ही नहीं है यार. आहान, राहिल खान इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री और हमने उसे 100 करोड़ की डील दी है. Well, I guess, गलत डील है फिर. And राहिल खान can sell anything from कोला to झोला. Guys, अब किसी भी इंटरनेशनल शुगर ब्रांड को ले लो. आपने कभी भी टॉम क्रूज, मेल गिब्सन, मैट डेमन जैसे बंदों को देखा है शू ब्रांड को एंडोर्स करते हुए? आई डोंट थिंक सो. कोई नहीं करता है. अब जो ब्रांड शू है तो हम शू के बारे में बात करेंगे ना, किसी और चीज़ के बारे में क्यों बात करें? दैट्स माई ओनली पॉइंट. मूव शूज है हमारी प्रोडक्ट है. इट्स अ स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ब्रांड. लेट्स हायर अ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर इट, नॉट राहिल खान जैसा सुपरस्टार. हम क्यों एक सुपरस्टार के पीछे पड़े हुए हैं? स्पोर्ट्स पर्सन को कास्ट करना वी बी द बेस्ट चॉइस फॉर अस. आई एम स्टिल सरप्राइज कि ये 100 करोड़ वाली डील की किसने. अहान, मूवी स्टार का पावर 100 गुना होता है ज्यादा किसी भी स्पोर्ट्स स्टार से या वॉनबी म्यूजिक स्टार से. Yes, sir, indeed. और तुम कर क्या रहे हो? क्या समझते हो तुम? जब तुम्हारा मन करेगा तुम वो अपना तुनतुना छोड़कर यहां हमें डिस्टर्ब करने आ जाओगे और तुम ये डिसाइड करोगे कि हमारा जूता कौन बेच सकता है और कौन नहीं. What do you know about sales? कभी कुछ बेचा है तुमने? तुम तो आज तक अपना म्यूजिक नहीं बेच पाए. कल जो तुम्हारा वो सो कॉल्ड कॉन्सर्ट था वहां पे भी लोग इसलिए जमा हुए क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट है. लोग तुम्हारी आवाज सुनने नहीं आए थे वहां पे, लोग खाना खाने आए थे. और जैसे कि किसी भी रेस्टोरेंट में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है तुम्हारी आवाज भी पीछे चल रही थी. अपने म्यूजिक के बल पर तुम 2 पैसे नहीं कमा पाए और यहां चले आए हम सबको ज्ञान बांटने. डैड प्लीज, आहन की भी उतनी ही कंपनी है जितनी हमारी है. व्हाटएवर, मूव का मॉडल राहिल खान ही रहेगा और उसकी स्टाइलिंग भी यही रहेगी. डिड यू गेट इट? एक्सक्यूज मी गाइस, सॉरी. फिर से अपना गिटार तोड़ दिया. हाँ, हाय बेबी, हाउ आर यू? भाई साहब, म्यूजिशियंस लव एंड टेक केयर ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स और आप हैं कि अपना गिटार ही तोड़े जा रहे हैं. कॉन्सर्ट पे क्या प्ले करोगे? हाँ, 15 दिन में तुम्हारा कॉन्सर्ट है ड्रीम पार्क में. 15 दिन में नहीं, 20 दिन में. एंड दिस टाइम इट्स अ पेड कॉन्सर्ट, पेड शो, फ्री का नहीं. हाँ हाँ, आई गॉट इट, आई नो दैट. बट स्टिल, अब तुमने बात चेंज कर ही दी है तो लैला तुम्हें एक बात बताती हूँ. जब छोटू छोटा सा था ना, तो ये हमेशा अपने फेवरेट वाले जूते फाड़ देता था और हम लोगों से आके जिद करता था कि उसे नए जूते चाहिए. फिर से तुम्हारी ये वही चाल है ना? तुम्हें इस बार भी नया गिटार चाहिए होगा. अच्छा गाइस, जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू गाइस शुड स्टेप आउट एंड शॉप. आई होप तुम पार्टी में ऐसे डेनिम मेने में नजर नहीं आने वाले हो, कुछ क्लासी व्लासी कपड़े पहनने वाले हो, पार्टी टाइप वाले, इजंट इट? पापी जी कहते हैं गुड मॉर्निंग तो आपकी होगी, हमारी तो गुड नाइट ही होती है. हाय, हे छोटू, बेबी, यू आर द होस्ट एंड होस्ट इज लेट. इस होस्ट को ना
आपके भाई ने गोस्ट बना दिया था, मुझसे भी ज्यादा टाइम लेता है शॉपिंग में। सीरियसली? अच्छा वेल, छोटू को मैंने तो बहुत सालों तक झेल लिया है, नाउ इट्स योर टर्न, कम आई विल इंट्रोड्यूस यू टू डैड। डैड ये लैला, अपनी आहान की लैला। या तब तो आहान को अपना नाम भी ना मजनू रख ही देना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे भाई का नाम आहान ही ठीक है। वैसे पप्पी जी, आपका असली नाम क्या है? चुकविंदर सिंह। ओह चुकविंदर, ड्रिंक लेके आता हूँ। या डैड, डैड कम आई शो यू अराउंड। या बेबी आई गेट अ ड्रिंक फॉर यू। नो नो आई एम गुड। व्हाट यू मीन बाय दैट, एम आई बैड? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, आई मीन मैं बस नहीं पीऊंगी। बट तुम तो पीती हो ना, यू रिमेम्बर स्पाइस किचन में हम दोनों ने एक साथ ड्रिंक की थी और हम दोनों एक साथ आउट हो गए थे। आई रिमेम्बर, तभी तो नहीं पीना चाहती। आई डोंट वांट टू गेट हाई। आई एम गेटिंग अ ड्रिंक फॉर यू एंड यू आर हैविंग इट। चुप। अजी बुरा मत मानो यार। बेब ड्रिंक। सिप 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 सिप। तुम्हारा ग्लास तो एकदम खाली है, ये लो। अरे लो ना, पार्टी है, एंजॉय करो। चीयर्स। हाय। आहान को देखा? नो 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 थैंक्स। या आहान, आहान नहीं अब, हाँ आई मीन नहीं देखा। वेयर इज योर ड्रिंक यार, हैव इट ना। नो नो, अरे प्लीज हैव इट ना। हैव इट, हैव इट, हैव इट। तो बुरा मान गए। अरे मैं चलता यार। पाजी इस घर से गंदगी हटाने का क्या लोगे तुम? मुझे इस घर में और गंदगी नहीं चाहिए, समझे तुम? सुशांत रिलैक्स। बबूल के पेड़ में आम नहीं उगते ना। सुशांत प्लीज चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ये ले जाओ इसे। इसे और अपने जैसे गंदे लोग, गिरे हुए लोग मुझे इस घर में नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? बस पापा। डोंट यू पापा मी, डोंट यू पापा मी, जस्ट गेट आउट, आउट। Okay, I'm getting lost. And this time, I'm getting lost for good. पता नहीं आपको मुझसे हमेशा प्रॉब्लम क्यों रहती है पापा। Out. सुशांत रोको उसे। और हाँ, रही बात थापर मैंशन की, तो मेरे जैसे गंदे लोग क्या, मैं खुद आज के बाद इस मैंशन में कदम नहीं रखूंगा। That's my promise, Dad. Good. याद रखना तुमने जो कहा था। Dad. समझे ना? आहन, आहन मेरी बात। थापर सरनेम के अलावा और क्या है? I can take care of her. देखो पापा गुस्से में। जाओ जाओ, वापस बताना। उसका ठेका ले रखा है। जाओ, तुम भी जाओ उसके पीछे पीछे। जाओ, दोबारा मत आना यहाँ पे।
sorry. It's okay. चल आहान घर चलते हैं। दीदी, डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? बात सिर्फ आज की नहीं है, आप भी जानते हो, आप भी देखते आ रहे हो, डैड को हमेशा से मेरे से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, ऑलवेज। मुझसे कभी खुश क्यों नहीं रहते? रही बात घर जाने की, आज के बाद आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग होम। छोटे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेट्स गो होम। हम आराम से सुबह उठ के पापा से बात करेंगे। हाँ नहीं दी, मैं नहीं। प्लीज, छोटा भाई है ना, कम, हम डैड से सुबह बात करेंगे। She'll be fine, huh? She's sleeping. She'll be fine. Bloody bastard! Tu na pagal hai, Sushant. And please, keep your voice down. Yahan meri life down ho gayi hai, yaar. Haramzada apni maa par gaya. Aur apni maa ki tarah hi wo loose characters ke saath rehta hai. प्लीज चुप हो जा तू। और कितना चुप रहूं यार, कितना सहूं? 20 साल से किसी और की औलाद को पाल रहा हूं। He definitely is not my blood. वो धोखेबाज अमित की औलाद। बिल्कुल गलत सोच रहा है। गलत तो सुहासिनी ने किया मेरे साथ। उस साल मैं ज्यादातर टूर पे रहता था और ये साला अमित अपनी भाभी का ख्याल रखने के बहाने मुझे धोखा दे रहा था। She breached my trust. तो मेरी मजबूरी थी, समाज के शर्म से मैं ये बात किसी को नहीं बता पाया। अंदर ही अंदर घुटता रहा हूं। I'm just dying each day. He's a bastard. Ahan is a bastard, and he will attract such characterless people because it is there in his blood. Bloody bastard. He definitely is not my blood. खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी? अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। आहान, 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 पता नहीं ये सुबह सुबह आहान कहाँ चला गया है। आहान, डैड, आहान कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि डैड, कल रात को आप ही ने उसे सबके सामने इंसल्ट किया था। I am not interested. मैं इस बारे में बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। Yes, डैड, वैसे भी आप आहन की किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। यू आर राइट। दिया। हाय लैला, आहन है क्या? आई एम सॉरी, वो तो नहीं है। ओह, लेकिन आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं, आई हैव टू रश, आई विल सी यू लेटर। या श्योर, टेक केयर। हां या आहान, मुझे लगता है तुम्हें दी से बात करनी चाहिए। आहान, तुमने सुबह मना क्यों कर दिया तुमने दी को बताने के लिए कि तुम घर पे हो?
You know, she looks so anxious. तो मैं क्या करूं? क्या? I mean. What do you mean? तुम मुझे एक बात बताओ. तुम मुझे इतना ज्ञान क्यों देती रहती हो? मेरी माँ हो, बीवी हो क्या मेरी तुम? Don't try and act like my bloody wife. You get it? आहान? इस वक्त जो आहान करने जा रहा है, that's ridiculously and atrociously stupid. मैं उसका mental status समझ सकता हूँ. I understand that he's going through a lot. But इस तरह से intoxicated होकर अपनी जान देना, I mean, that's how's that an answer? How's that an answer to anything? You know, unfortunately, मैं इस शो का सिर्फ सूत्रधार. लेकिन अगर मैं उसका भाई होता तो खड़े रहकर उसको खींच के थप्पड़ मारता और बोलता कि come back. Being suicidal is not the answer to your questions. I understand कि हम सब की लाइफ में ऐसा एक समय आता है जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। But I really hope and pray कि इस कहानी में आहान को उसके सवालों का जवाब मिले। ए बोरा, थाम 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 थाम, चला। मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है. आई डोंट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ माय ओन. ना मिस्टर थापा मेरे पापा हैं और ना ही मैं उनका असली बेटा हूँ. बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं आहान थापर हूँ, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ आहान हूँ. ओनली आहान. उसके आगे क्या, किसी को नहीं पता. इस साल से किसी और की औलाद को पाल रहा हूँ. वो धोखेबाज अमित की औलाद. सो, तुम बचपन से देखती आ रही हो. डैडी मुझसे कितनी नफरत करते हैं यार. ही हेट्स मी, ही डजंट लाइक मी एट ऑल. लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, वो एक बुरे आदमी नहीं है. He's a good human being. तुमसे बहुत प्यार करते हैं. He loves you. And he has his reasons to hate me. और ये मुझसे अच्छा और तुमसे अच्छा सिर्फ पापा ही जानते हैं उन reasons को. I think you are wrong here. कभी कभार क्या होता है ना, लोग गलत फहमियों में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं. तो डैड को ना एक छोटी सी गलत फहमी है जो हम सॉर्ट आउट कर देंगे. मैं ये सब नहीं जानता. मैं बस यही जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को इन गलतफहमियों के कारण खराब नहीं होने दे सकता. मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरी माँ ने क्या किया, क्यों किया, क्या सच है क्या झूठ है. लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी माँ की एक गलती ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी. दीदी, सारी जिंदगी. लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ूंगा दी. मैं अपनी एक खुद की पहचान बनाऊंगा दी. I'll stand up for myself and I'll make something for myself. और इस बार मैं आहान थापर नहीं कहलाऊंगा. I'll be only आहान, just आहान. ये जो फादर्स एंड सन्स, बाप और बेटे जो होते हैं ना, इनका रिलेशनशिप बहुत ही अलग होता है. एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया, बिलीव मी, क्योंकि इंडियन फादर्स are always anxious कि उनका बेटा क्या करेगा जिंदगी, या करना चाहता है या कर रहा है. और कई कई बार ये anxious behavior pushes the child, pushes the son to a very extreme, जहाँ पर it almost becomes a tragedy. मेरी जिंदगी में आई है. माई डैड was interfering कि मैं जब हिंदुस्तान आना चाहता था to become what I want to become, he wasn't okay with it. It's a very critical situation.
आहान के केस में वो क्रूशल पॉइंट आ जाए और वो इस क्रूशल पॉइंट में क्या डिसीजन लेगा ये हमें वक्त बताएगा. Let's watch. I'm sorry. It's okay. पापा क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अगर आपको इतना ही शक था तो आपने हम लोगों को पाला ही क्यों? और अगर आपको आहन पर शक है तो मुझ पर क्यों नहीं? आप तो हमारी माँ तक पर शक कर रहे हैं. क्या पता कि मैं भी किसी की ना जाए. Shut up and stay out of this. I said shut up and stay out of this. But dad. अगर पूरा फुल हाउस ना हो टिकट्स के पैसे 100 रुपये भी रखने पड़े तो भी, लेकिन 50th का परफॉर्मेंस जो है ना वो एक पेड ऑडियंस के सामने ही होगा. तैयारियां शुरू कीजिए. रिश्तों की गफलत ना तो का मतलब कोई समझाए जिंदगी. इतना रुलाए और इतना सताए चाहे क्या ये जिंदगी. आप अभी भी आहान से नहीं मिलेंगे? डैड, पापा, छोटे, प्लीज इस फॉर्म पे साइन कर दो. ध्यान रख अपना. हाँ, मैं आ रही हूँ. टेक केयर. What were you thinking, Sushant? अरे यार कुछ नहीं, पैर स्लिप हो गया, गिर गया. इतना बड़ा इशू बना रहे तुम लोग. देखो, अपना ध्यान रखो. इस उम्र में गिरना खतरनाक भी हो सकता है. स्ट्रेस ज्यादा है क्या? नहीं, बस वो थोड़ा काम का. देखो, तुम आहान का स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना. He is in best hands and will recover fast, okay? मैं आता हूं अभी. ध्यान रखना इनका. थैंक यू.
आहान थापर की रिपोर्ट है ना, एंड सुशांत थापर की रिपोर्ट कल सुबह तक मिल जाएगी। आपने कॉन्सेंट फॉर्म दे दिया था ना? या ओके थैंक यू। वेलकम। साके तो सीमा, उनकी इतनी हिम्मत, जस्ट फायर देम नाउ। वो पहले कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। डैड प्लीज रिलैक्स। दो दिन पे हॉस्पिटलाइज क्या हुआ? ये दो दिन की बात नहीं है सुशांत, ये प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही है। सीमा और साकित, स्टिल सरप्राइज के ये 100 करोड़ वाली डील की किसने? देवर फ्रॉड, एक दूसरे से मिले हुए थे वो दोनों। अब गलती हमारी भी है कि हमने ऐसे गलत लोगों पे विश्वास किया। नो डैड, 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 नो, आप कहीं नहीं जा सकते। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है और आप जबरदस्ती अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? बीपी नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? चीटर्स। रिलैक्स। मुझे सिर्फ बिजनेस में नहीं, मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। मुझे जाना होगा। नहीं डैड, डैड आप कहीं नहीं जाएंगे, मतलब आप कहीं नहीं जाएंगे। कल अभिनव मित्तल आ रहा है। He is my last hope. 500 करोड़ अगर उसने इन्वेस्ट कर दिए तो हम बच जाएंगे, नहीं तो सब खत्म। Everything will be fine, Dad. Relax. Please rest. हाँ. And then we have Diya Kapoor, our brand ambassador. Last 3 films, super hit, box office hits. 70 करोड़ लेती है, लेकिन we have got a good deal with her. इसीलिए टीवी स्पॉट से पहले हम डिजिटल करेंगे और उसके बाद प्रिंट। बस 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 बस, अंकल लेट्स गो। बट नो इफ नो बट। सो मित्तल, वो व्हाई डोंट यू हियर द एंटायर प्लान? आई नो योर एंटायर प्लान सर, और आपके एग्जीक्यूटिव प्लान्स भी मैंने देख लिए हैं। मैंने बोला था मेहता साहब को नॉट टू वेस्ट माई टाइम, बट नथिंग पर्सनल सर, आपकी सोच एक्चुअली बहुत पुरानी है और आपके प्लान्स बहुत जेडेड। आप राहिल खान पर इन्वेस्ट करके स्पोर्ट्स शूज चलाना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आप? या पर कोई और भी सोचता है? आप बहन जी, आप में तो दिमाग है। एनीवेज, आपकी दिया कपूर में मैं 50 करोड़ तो क्या, 50 पैसे भी नहीं लगाऊंगा। आई पुट माई मनी इन माई प्रोडक्ट एंड इट्स राइट कैंपेन, दिया कपूर एंड व्हाट, राहिल खान। अंकल अब ये सब बहुत पुराना हो चुका है। अब किसी भी इंटरनेशनल शुगर ब्रांड को ले लो, आपने कभी भी टॉम क्रूज, मेल गिब्सन, मैट डेमन जैसे बंदों को देखा है शू ब्रांड को एंडोर्स करते हुए? आई डोंट थिंक सो, कोई नहीं करता है। स्पेयर मी गाइस, आई डोंट हैव टाइम, और अगर आप लोग के हिसाब से चला तो मेरा तो बंटा धार। सो गुड लक सर। जिंदगी के साथ ये क्या है? नथिंग, दैट वाज माय फोन। ये लेटेस्ट सिंगिंग सेंसेशन आहान का कॉम्पोजिशन है, राइट? ये तो अभी तक मार्केट में आया नहीं है और इंटरनली इंडस्ट्री में भी इसकी कोई न्यूज़ नहीं है। दिस ट्रैक इज नॉट फॉर सेल एक्चुअली। ये आहान का कॉम्पोजिशन है ना, राइट? या गिव मी अ नंबर। इट्स जिंदगी के साथ मूव करो, मूव करो। यस डूड, दिस इज नॉट आउट। हाउ द डेविल यू हैव इट? एक्चुअली आहान ने गिफ्ट किया था इस साल राखी पे मुझे। बहन जी, मैंने आपको पहले भी ऐसा ही कुछ बोला था ना, आप मेरी भी बहन बन जाइए ना, जैसे आहान की। आप मेरी बहन बनिए, मेरी माँ बनिए, मेरी गर्लफ्रेंड बनिए, मेरी दादी माँ बनिए, व्हाटएवर यू वांट, बट जस्ट गेट मी आहान्स म्यूजिक। मुझे आहान का म्यूजिक चाहिए कैसे भी, एनी हाउ, आई नीड इट। डैड क्या हुआ? एवरीथिंग्स ऑल राइट? तुम्हारा भाई मतलब इनका बेटा, राइट? तो कोई फैमिली ड्रामा तो नहीं है ऐसा कुछ? अंकल मैं आपकी मोबाइल कंपनी में पूरा फाइनेंस करूंगा, आई प्रॉमिस, और जो भी आपका एशिया में बिजनेस चल रहा है उसमें हमारा टाई अप, डन, फाइन, बट प्लीज डोंट लेट मी डाउन। मुझे प्लीज आहान का म्यूजिक चाहिए, आई नीड आहान्स म्यूजिक सर, प्लीज डोंट लेट मी डाउन, आई एम बेगिंग यू अंकल, प्लीज सर। जिंदगी मुझे ये सब करना पड़ा, अगर मैं आप दोनों से पूछती तो शायद आप दोनों विलफुली कभी भी डीएनए टेस्ट करवाने का कंसेंट नहीं देते।
मुझे तो मेरा परिवार बचाना था ना। आप दोनों के सामने रिपोर्ट पड़ी है और मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये रिपोर्ट्स क्या प्रूफ करती हैं। लेकिन डैड आपको तो मैं पूरी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। यू नो वॉट, नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मॉम ने आपके लगाए हुए इल्जाम को पूरी जिंदगी डिफेंड क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर वो अपने आप को डिफेंड करती ना, तो वो उनकी डिग्निटी के खिलाफ होता। डैड, सिर्फ एक शक की वजह से आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आपने अपनी शादी खराब कर दी, अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हुआ है। आई फील पिटी फॉर यू, नॉट फॉर योर सन, नॉट फॉर योर डॉटर, नॉट इवन फॉर योर वाइफ, बिकॉज यू हैव सफर्ड द मोस्ट। यू नो डैड बॉय, अपने दुख के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और तुम आहन, तुम भी तो अपने पापा पर गए हो। बिना सोचे समझे तुमने हमारी माँ को कटघरे पे लाके खड़ा कर दिया। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। वेल, व्हाट टू से, ये रही रिपोर्ट्स आप दोनों के सामने। क्यों, क्या हुआ आप दोनों को? हाँ, दो मर्दों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक रिपोर्ट पढ़ सके। किसी में भी हिम्मत नहीं है इसे पढ़ने की। यही काम भी मुझे ही करना होगा। मैं ही कर देती हूँ। I can do that for you. So stop it. Why stop it? You stop judging my mother. You get that? And you, dad? सबसे ज्यादा आपने ही तो सबका जीना हराम कर रखा था। Read this report. ये लीजिए, देखिए। Please read it. I'm sorry, beta. I'm sorry. No, dad. I think I am sorry. Sorry for being emotional for both of you. प्लीज आप दोनों मेरी वजह से अपने आप को एपोलोजेटिक फील मत कीजिए। प्लीज, इट्स ऑल माय फॉल्ट। दीस आर द रिपोर्ट्स। यही चाहिए थी ना आपको? हियर इट इज, सी, प्लीज पढ़ लीजिए। पापा, बचपन से ही आप ही हम दोनों के लिए हमारे पापा हैं। इनफैक्ट मेरा और कोई पापा हो ही नहीं सकता। रही बात इन रिपोर्ट्स की, तो डैड मुझे इन रिपोर्ट्स को देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, विदाउट बीइंग वेरी ड्रामेटिक, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ एक बार इन रिपोर्ट्स को देखिए। प्लीज डैड, सिर्फ एक बार। प्लीज डैड, एक रिक्वेस्ट, प्लीज। कर दो अपने पापा को यार। No dad, we really love you. I love you dad. We love you. We really love you. जिंदगी के साथ मूव करो, मूव करो, मुश्किलें हजार। छोड़ कर मूव करो, मुश्किलों को पीछे छोड़ कर मूव करो, जिंदगी के साथ मूव करो।
stars happy. You know, coming off is a concept जिसकी कोई उम्र नहीं होती. इंसान का सुधार किसी भी उम्र में हो सकता है. यू नो, आहान के डैड ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस दिए सिर्फ एक शक की बिना पर, जिसकी वजह से ना जाने कितनी सारी जिंदगियां खराब हो गई, इंक्लूडिंग आहान. बट ऑन द अदर हैंड, आहान, उसने अपने पेन को, अपने दर्द को किस तरह से कंस्ट्रक्टिवली अपने म्यूजिक में कन्वर्ट किया, और ना सिर्फ अपने म्यूजिक को बदला बट अपनी जिंदगी भी बदला, एंड इन अ पॉजिटिव वे. तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जिंदगी आपको बार बार ऐसी चुनौतियों में फेंकती रहेगी. ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द वे ऑफ लिविंग. देयर इज ऑलवेज अ वे. और यही बात आपको हमारा शो ए जिंदगी समझाता है, और मैं समझाता हूँ. ऋत्विक धनजानी आपका होस्ट, जो हर हफ्ते आपके पास ऐसी ही पॉजिटिव, ऐसी ही कंस्ट्रक्टिव और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज लेकर आएगा. एंड इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू डू. वेल, अगर आपकी जिंदगी आपसे आके कहती है कि यार अब मैं थक गई, अब मुझसे नहीं होता, आपको पलट के बस इतना कहना है कि ए जिंदगी रुक, लेट्स ट्राई अनदर वे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ वे. आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक. रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. क्यों सोचना है जाना कहां, जाए वही सबरिया, बे सबरिया.